आर्मी होना चाहते हैं आप, वेस्ट बंगाल पुलिस में जाना चाहते हैं, आरपीएफ होना चाहते हैं, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो आपको रनिंग पे विशेष ध्यान पे रखना होगा। क्योंकि रनिंग अगर आप ठीक से नहीं करना जानते, अगर आपको रनिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं है, अगर आपका टाइमिंग ठीक नहीं है, 1600 मीटर अगर आप नहीं क्रैक करना चाहते, 5 किलोमीटर अगर क्रैक नहीं करना जानते, तो रनिंग कैसे करेंगे आप, आर्मी में कैसे जाएंगे? तो उसी के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि कम टाइम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट कौन सा पीटी वगैरह होता है, बेस्ट कौन सा स्ट्रेचिंग वगैरह होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान पे रखिए, ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आपको हर रोज़ मिलता जाएगा। ये चैनल का नाम है टाइम टू मेक इंडिया। सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन वो भी दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और मिलते हैं ये वीडियो के अंदर। जय हिंद एंड वंदे मातरम। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं टाइम टू मेक इंडिया। आज जो वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है आर्मी की रेस, वेस्ट बंगाल पुलिस की रेस, आरपीएफ डिफेंस में जाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा होता है रनिंग के बाद, वो अगर आप कर लेते हो। ये जो एक्सरसाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक्सरसाइज अगर आप ठीक से करना जानते हो, अगर आप ठीक से कर लेते हो, मैक्सिमम एक हफ्ते में आपका इंप्रूवमेंट 100% आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% आपका आ जाएगा। ये एक्सरसाइज अगर आप कर लीजिए तो जरूर वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रनिंग करने के बाद आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग, पीटी वगैरह जो भी होता है आफ्टर रनिंग का, जो भी होता है आफ्टर रनिंग स्ट्रेचिंग, उसका वीडियो ये ऊपर है। बिफोर रनिंग, रनिंग से पहले आपको क्या करना होगा उसका भी वीडियो इधर दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए। आफ्टर रनिंग, रनिंग के बाद क्या करना है वो भी देख लीजिए। और सब कुछ करने के बाद आपका बिफोर रनिंग का स्ट्रेचिंग हो गया, रनिंग हो गया, आफ्टर रनिंग हो गया, अभी आपको आता है एक्सरसाइज जो आपको करना है। ये एक्सरसाइज भी एकमात्र चीज़ है जो अगर आप कर लेते हो तो आपको रनिंग में 100% इम्प्रूवमेंट आ जाता है, ठीक है? शुरू में जो आपको एक्सरसाइज करना है रनिंग के बाद, वो आपको करना है ट्रैक जंप। आपको ट्रैक जंप शुरू में करना है, और वो भी करना है सेट के अंदर। 20 करके अगर करते हो तो 20 में आपको 3 सेट करना है। शुरू में आप एक सेट कीजिए, दो सेट कीजिए, 3 सेट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ट्रैक जंप किसको कहा जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ट्रैक जंप करते समय आपका बॉडी, ये आपका ट्रैक जंप शुरू कर बेटा, ट्रैक जंप करते समय आपका जो घुटना है वो आपको कंप्लीटली होना चाहिए। ट्रैक जंप आपको छाती पे लगना चाहिए, आपका छाती पे लगना चाहिए, ये आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए ट्रैक जंप। ये आपका जो घुटना है ये आपको छाती पे लगना चाहिए, इसको कहा जाता है ट्रैक जंप। आपको उछलने के टाइम में दूसरे नंबर पे जो आ जाता है, दूसरे नंबर पे जो आपको आ जाता है उसको कहा जाता है डिप जंप। डिप जंप किसको कहा जाता है, जिसको डिप कहते हैं, डिप। आपको डिप जंप करना है, वो आपको दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है? डिप जंप कर बेटा। डिप जंप करते समय आपका सेम एक्सरसाइज, आपको जमीन छूना है। जमीन जिस टाइम आप छू लेते हो, जमीन के बाद आपको फिर से ऊपर जाना है, और सेम एक्सरसाइज आपको करना है। ये आ जाता है डिप जंप, ये हो जाता है दूसरा नंबर। थोड़ा सा आपको कूल डाउन होना जाना है, थोड़ा सा रिलैक्स ले जाना है, उसके बाद आपको आ जाता है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे जो आपको करना होता है उसको कहा जाता है बोट जंप। बोट यानी आपको नाव जैसे होता है, नाव, नाव की जैसे आपका बोट होना चाहिए। ये आपका पीठ का जो साइड होता है, ये आपका पीठ का जो साइड होता है, ये आपका बोट होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल बोट हो जाना चाहिए, ठीक है? बोट जंप कर बेटा, ये कहा जाता है बोर्ड जंप। ये जिस टाइम आप करते हो इसमें और एक फैसिलिटीज है जो आपको बोलता है कि इसमें आपको जो फैसिलिटीज है उसको बोला जाता है कि आपका हाइट में भी इंक्रीजमेंट आएगा। आपका अगर हाइट ज़्यादा नहीं जा रहा है तो आपका हाइट में भी इंक्रीज आ जाता है इसी एक्सरसाइज के अंदर। अभी आपको आ जाता है उसके बाद एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है सीलिंग जंप। आपको सीलिंग जंप पे फोकस करना है। सीलिंग जंप किसको कहा जाता है, सिल यानी आपका नाव की जो पाल होता है, ये आपका पाल होता है, ये पाल का साइड में आपको हो जाना है सीलिंग जंप। आपको टो धोना है, ये आपका टो पकड़, हाँ चलो सीलिंग जंप, इसको कहा जाता है सीलिंग जंप। ये आपको करना है सीलिंग जंप, ये आपको सीलिंग जंप के दौरान जो आपका टो पकड़ना है, ये आपका बच्चा थक गया है, कूल डाउन नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको वीडियो कम टाइम में हो जाए इसलिए आपको दिखा रहा है। लेकिन आपको जो करना है 10 के सेट में, अदरवाइज 20 के सेट में, अदरवाइज 30 के सेट में भी कर सकते हो, लेकिन सेट पे करो, एक सेट, अदरवाइज दो सेट, अदरवाइज 3 सेट, मतलब एक ही चीज़ आप बार बार करो। जैसे कि 10 बार हो गया, थोड़ा सा कूल डाउन, उसके बाद फिर से वही एक्सरसाइज, कूल डाउन, फिर से वही एक्सरसाइज, टोटल 3 सेट हो गया। इससे करके लास्ट में जो आपको आ जाता है उसको कहा जाता है हाई नी एक्शन। आपको हाई नी एक्शन पे फोकस करना है। हाई नी एक्शन किसको कहा जाता है, हाई नी एक्शन कर, ये आपको हाई नी एक्शन करना चाहिए। जिस टाइम आप हाई नी एक्शन करते हो आपका घुटना एकदम छाती के ऊपर जाना चाहिए। आपका जिस टाइम आप करते हो आपका छाती के ऊपर होना चाहिए आपका, उस टाइम हो जाता है हाई नी एक्शन। हाई नी, नी हाई, हाई नी को आपको हाई करना है, हाई नी एक्शन लेना है, हाई नी एक्शन, हाई नी, नी हाई एक्शन, ये होता है हाई नी एक्शन। ये 5 चीज़ आपको करना है।
और ये करने के बाद आपको रनिंग में एक हफ्ते के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जो भी आपका टाइमिंग है उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको आने वाला है ये एक्सरसाइज करने के बाद। ये 5 एक्सरसाइज जरूर कीजिए और करने के बाद बोलिए कैसा लग रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को ठोक ठोक कर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो हर रोज़ मिलता जाएगा आपके चैनल पर, आपके अपना चैनल टाइम टू मेक इंडिया। चैनल को याद रखना, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।